चाट के सामने बवाल, आक्रोशित भीड़ ने प्रधान के घर पर हमला किया है और युवक की हत्या के मामले में परिजनों से मिलने गए थे मंत्री। तोड़फोड़ और बवाल के बाद गांव छामनी में तब्दील पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें देवरिया से, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सामने दो पक्षों के बीच में बवाल देखने को मिला है। आक्रोशित भीड़ ने प्रधान के घर पर हमला किया है और आपको बता दें कि युवक की हत्या के मामले में परिजनों से आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तभी उनके सामने ही जमकर बवाल होने लगा। तो देवरिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद ने मृतक दीपू निषाद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया और इस बीच वहां पर मौजूद भीड़ उग्र हो गई और हत्यारोपियों के घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में संजय निषाद लोगों को समझाते हुए परिवार से मुलाकात करते हुए और दूसरी तस्वीर जो पीड़ित परिवार है उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। एक पीड़ित परिवार है जिसके बेटे की मृत्यु हुई है और उसने उन्हें लिखित FIR दिया है कि एक अपराधी किस्म का आदमी है जिसने पहले भी उसे मारा पीटा था, धमकी दिया था, समय पर कार्रवाई न होने की वजह से छूटते जेल से आया, उसने एक काम कर दिया। उसमें दबाव में लोग आए तो फिर उसे FIR किए। तो अपराधी को कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आया था कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलना मेरा काम है, हम उनके साथ खड़े हैं, सड़क से सदन तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हर संभव न्याय दिलाया जाए। तो न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार से मिला हूं, उनकी बात सुना हूं, माननीय मुख्यमंत्री से हम बताऊंगा। और अभी SSP से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि हम संबंधित धारा 302 बढ़ा देते हैं और अपराधी को तब जल्दी तफ्तीश करके गिरफ्तार कर लेंगे। जौनपुर में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। प्रधान के परिवार पर दबंगों ने हमला बोला है, मारपीट का